नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। वक्त हो चला है कुछ खास खबरों का। युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित 64वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की आम सभा के दौरान पाकिस्तानी संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय सैन्य बलों ने कश्मीर को बंधक बनाया हुआ है। वहीं भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल की सदस्य रूपा गांगुली और अन्य सदस्यों ने भी कश्मीर पर पाकिस्तान के दुष्प्रचार का पूरा जोर विरोध करते हुए कहा कि शासन की परंपरा पाकिस्तान में व्याप्त है और वह 33 साल सेना के शासन में रहा है। भारत में सैनिक शासन कभी भी और कहीं भी नहीं रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में चीन द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुद्दे को उठाए जाने पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि हम दूसरे देशों से उम्मीद करते हैं कि वे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और आशा है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के लिए अवैध निर्माण को पूरी तरह से रोकने की दिशा में काम करेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वे गांधी की विचारधारा को बिल्कुल नहीं मानते हैं, जिसे लेकर उनका कहना है कि जिस दिन भाजपा और आरएसएस के लोग गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, उस दिन मैं मानूंगा कि वे गांधी का कितना सम्मान करते हैं। ईरान द्वारा दो बार अमेरिकी पहल के बावजूद वार्ता न करने के बयान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सिर्फ बातचीत करने के लिए ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दूं, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। वहीं ट्रंप के इस बयान से खाड़ी क्षेत्रों में और भी तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। सपा सांसद आजम खां को 3 मामलों में कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किए हैं। दरअसल यह तीनों मामले रामपुर की तहसील शाहबाद से जुड़े हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खां ने शाहबाद में एक जनसभा की थी। उस जनसभा के मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे और उन्हीं की मौजूदगी में आजम ने पूर्व सांसद जयप्रदा पर अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसमें कोतवाली शाहबाद में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला है मुकदमा नंबर का है 1086/19। वो जो हमारी सांसद रह चुकी हैं रामपुर की जयप्रदा जी, उनके बारे में टिप्पणी की गई थी आजम खां साहब द्वारा, उनका लेकर खाकी रंग का पेंट नहीं था कुछ। सिद्धार्थनगर में निर्माणाधीन पुल के पास बने बाईपास रोड से पानी निकलने की समुचित व्यवस्था न होने के कारण 12 गांव पानी से घिर गए हैं, जिसके बाद प्रशासन की गाइडलाइन पर एनएच अधिकारियों ने डूबते बाईपास को कटवाकर पानी निकासी की व्यवस्था बनाई। साथ ही लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले ही व्यवस्था कर दी होती तो रास्ता बंद करने की नौबत नहीं आती। सिद्धार्थनगर के वार्षिक निरीक्षण के लिए पुलिस महानिरीक्षक बौसी कोतवाली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोतवाली की आरक्षी बैरक, निरीक्षक आवास, आपराधिक मुकदमों का रजिस्टर और मालखाने का निरीक्षण किया। साथ ही कोतवाली प्रभारी ने गार्ड ऑफ ऑनर चौकीदारों को टार्च और शॉल भेंट किए। इस मौके पर एसपी, एडिशनल एसपी और क्षेत्राधिकारी सहित विभाग के पुलिसकर्मी और चौकीदार भी मौजूद रहे। वार्षिक निरीक्षण देखिए हम लोग करते हैं साल में एक बार, उसके तहत मैं प्रोग्राम में मैं यहाँ पे आया। मैंने यहाँ पर तमाम चीजें देखी, इसमें भवन देखा, इनका बैरक्स देखे, इनका मालखाना देखा, इनके जो कितने केसेस वर्ष 18 में लिखे गए पूरे, उनकी क्या क्या डिस्पोजल हुए, कितनी प्रॉपर्टी चोरी गई, कितनी चार्जशीटें लगी, कितनी अपराध लगी, कितने अपराधी विशेष हैं,